आपको मालूम है कि दरभंगा में एम्स तो हमने इच्छा थी, जब एम्स का अतिरिक्त हुआ तो कहां कहां नहीं की मांग कर रहा था। हम जहां जाते थे वहीं पर लोग कहता था कि यही पर बन जाना चाहिए एम्स, तो हम तो मीटिंग में कह देते थे यहां काहे बनेगा भाई, यहां क्यों बनेगा। हम शुरू से सब दिन कहते थे कि भाई सबसे पहला मेडिकल कॉलेज बिहार में बना था पटना में और दूसरा बना था दरभंगा में, इसलिए पटना में एम्स बन गया तो दूसरा एम्स तो दरभंगा में ही बनना चाहिए। हम तो शुरू से कह ये बात हम 2015 से है, इस बीच न जाने कौन जिला है जिसमें लोग नहीं कहता था एम्स यही बन जाए, लेकिन हम तो मुहे पर कह दे ना कि सब नहीं बनेगा, काहे बनेगा यहाँ एम्स बन के क्या होगा। बिहार सरकार के माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग श्री संजय कुमार झा जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाई, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और आपका मैं अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए आपका अभिनंदन करने आया हूं, आपको धन्यवाद देने आया हूं कि आप लोगों ने श्री अमन भूषण हजारी को विजयी बनाया, और ये बड़े दुख की बात है कि शशि भूषण हजारी जी का निधन हुआ। वो 3 बार विधायक रहे, अचानक उनकी तबीयत खराब हुई, उनको दिल्ली भी भेजा गया इलाज के लिए, ठीक हो रहे थे लेकिन अचानक उनकी स्थिति फिर बिगड़ गई और वो चले गए। ये कितना दुखद था हम सब लोगों के लिए, कोई ऐसी उम्र नहीं थी उनकी, लेकिन वो चले गए तो बड़ा दुख हुआ। और उसके बाद तो आप सब लोगों को मालूम है कि हम यहाँ पर आए भी थे और उस समय बाढ़ की स्थिति थी, नाव से भी हम घूमे कई जगहों पर, इनके घर में भी गए, मंदिर में तो हम जाते ही जब भी आते हैं, हर जगह मिलते जुलते हुए हम गए। और जब चुनाव का ऐलान हुआ तो उसी समय जब ही जब शशि भूषण हजारी जी का असमय निधन हो गया था तो हम लोगों ने बैठ करके उसी दिन ही हमने साफ साफ इनकी मां से भी बातचीत हमने किया और इनसे भी हमने बातचीत किया, और कुछ दिन के बाद 1 महीने के अंदर इनकी मां भी चली गई, तो बड़ा दुखद था। और हम लोगों ने प्रारंभ में ही कर दिया था कि भाई ये अमन भूषण को हम लोग उम्मीदवार बनाएंगे, और उसी के आधार पर हम लोग आए, एनडीए की बैठक हम लोगों ने की और सबके साथ बैठ करके हम लोगों ने निर्णय लिया, और निर्णय लेने के बाद इसका ऐलान किया गया। इसके इनके नॉमिनेशन में सब लोग आए और उसके बाद प्रचार प्रसार में भी सभी लोग आए और सब लोग गांव-गांव तक बहुत लोग घूमते रहे, आज लोगों ने चर्चा की, तो सब लोगों के बीच में जा करके जो बात हुई और फिर जो 2 जगह हमको यहाँ आने का मौका मिला और 2 जगह जो हमने आप लोगों के बीच अब अनुरोध किया कि वोट दीजिएगा, और हमने एक बार दोनों जगह कह दिया था कि भाई देखिए एक बार तो हम और आएंगे आप लोगों के बीच में, और आप लोगों की कोई और जितनी समस्याओं को हम जानते हैं उसके अलावे कोई आपके मन में बात होगी तो आपकी बात जानने की हम कोशिश करेंगे। और उसी सिलसिले में हम लोगों ने तय किया और हम आना चाह रहे थे, लेकिन उसी बीच आपको जान रहे थे पंचायत चुनाव था, तो कल उसका काम जब खत्म हो गया, यहाँ नॉमिनेशन ये कल तक था, गिनती कल हुई है किससे, तो उसके बाद हुआ कि ठीक है 15 तक तो इंगेज है तो 16 को ही यही तय हुआ हम आए। तो आपके बीच में आकर के आप लोगों में से अनेक लोगों का लगभग 20-25 लोगों की बात हम लोगों ने सुन लिया, लेकिन इसके साथ साथ ये कहवा दिया गया कि भाई जो कुछ भी पहले भी कहा गया कि आपके मन में कोई अगर बात है, कोई आपका सुझाव है, आपकी कोई समस्या है तो उसको एक लिख करके भी दे दीजिएगा ताकि उसके बारे में गौर करके और जो भी संभव है उसके लिए हम काम करने की कोशिश करेंगे।
इसका पूरा का पूरा दिखवाएंगे। तो एक एक चीज के लिए तो आप लोगों ने दे दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और आप में से अनेक लोगों ने अनेक बातें कह दिए हैं, हम लोग सब ध्यान से सुन रहे थे। और आप जानते हैं ना कि ये जो पूरा का पूरा आपका ये इलाका है कुशेश्वर स्थान का, तो ये जो इलाका है आप जानते हैं कि हम तो मीटिंग में भी हम कहते रहे, जब भी आए तब भी कहते रहे, आप सब लोग तो जानते ही, जो शुरुआती दौर से जब से बिहार के लोगों ने 2005 में हम लोगों को काम करने का मौका दिया और हम लोगों ने 24 नवंबर का शपथ ग्रहण किया था 2005 में, उसके बाद से जो काम करते रहे, बीच में तो हम 9 महीना छोड़ दिए थे, फिर लोगों का दबाव था, हमको फिर काम देखना पड़ा, शुरू करना पड़ा, तो ये सब काम तो हम करते रहे। तो शुरुआती दौर से ही जो हमने काम किया है, तो आप जानते हैं सबसे पहले हमने कहा कि भाई बिहार का बहुत बड़ा हिस्सा 28 जिला प्रभावित रहता है वर्षापात से, तो इसके लिए और बाढ़ से, तो वैसी स्थिति में इसके लिए कुछ काम होना चाहिए। और उसके लिए जो काम करने का मौका मिला, जो हम लोगों ने एक एक चीज किया, पूरे देश के बारे में जो हम लोगों को जब केंद्र में श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में काम करने का हम लोगों को मौका मिला, उन्होंने तो मुझको भी काम दिया हुआ था, किसी का भी, और उसी के जिम्मे आपका ये काम था अब तक, जहां जहां पूरे दुनिया पूरे देश में फ्लड होता तो हमको उसी समय सब जगह जाते थे देखते थे, और उसी समय आपदा प्रबंधन के लिए केंद्र ने तय किया और एक एक चीज तय हुआ। और जब यहां पर हमको आने का मौका मिला तो एक एक चीज और सबको बुला करके और हर जगह हम लोगों ने देखा, और यहाँ पर जो सबसे पहले 2007 में हम तो चले गए थे बाहर, और जब आए तो सबसे पहले तो बाहर से आए तो अगले दिन सुबह तो हम दरभंगा ही पहुंच गए थे, और उसके बाद एक एक जगह जा करके एक एक चीज को देखना, उसका आकलन करना, अध्ययन करना। तो इसलिए आप जान रहे हैं, और कोसी नदी का जो हुआ था 2008 में उसी इलाके में, उसमें जो हम लोगों ने पूरा का पूरा किया, तो हर तरह से और एक एक जगह पर पूरे बिहार के लिए हम लोगों ने जो काम शुरू किया आपदा प्रबंधन के लिए, और हमने कहा था कि जो आपदा से पीड़ित हैं उनका पहला अधिकार सरकार के खजाने पर, ये उसी समय से हमने कह दिया, और एक एक काम हम लोगों ने शुरू किया। तो हम जो समूचा देखते रहे तो आपका जो पूरा का पूरा इलाका है कुशेश्वर स्थान का, तो आप समझ लीजिए कि अनेकों बार देखे, और हम देखते थे कि सबसे ज्यादा प्रभावित ये इलाका रहता है, दरभंगा तो रहता ही है लेकिन उसमें देखिए खास तरह का ही प्रभावित है। तो उसी समय से हम लोगों ने कहा कि भाई देखिए इसका जो उपाय है पूरा आकलन अध्ययन करा करके भी लोग काम कर रहे थे, और आपको मालूम है पिछले साल भी देखे, और हर बार हमने कहा कि सब जो तीनों नदियां इसका सब तरह से इसका एम्बैंकमेंट और एक एक चीज का काम करके हर तरह से इनको बचाना चाहिए। और जो समूचा का समूचा ये चौरा का इलाका सब जगह देखते हैं, अभी तो बगल में ही है, तो नीचे है ना जमीन, इसमें तो वर्षा पात होता है तो पानी जमा रहता है, तो चौर इलाका है। तो इस सब चीजों को देखते हुए ही हम लोगों ने कहा कि भाई यहाँ के लिए हम लोग को काम करना चाहिए, और वो विशेष काम की शुरुआत की गई। इस बार भी हमने देखा इस बार तो और ज्यादा हो गया है, तो इस बार आपको मालूम है कि कितनी बार हमने कहा, और आज आपको तो आपको बता दिया जल संसाधन मंत्री जी ने पूरे तौर पर, संजय झा जी ने आपको जानकारी दे दी, और यहाँ पर देख लीजिए कि आज हम लोगों से शिलान्यासों करवा दिया, और हम आ करके सबसे पहले पटना से आए हैं, तो उसी का हम पूरा का पूरा इलाका एरिया ही देखे, और उसके बाद जब लैंड किए हैं हेलीकॉप्टर से यहाँ, तब जाकर के हम कई जगह देख दाख करके आए कि काम किस तरह से चल रहा है, आगे क्या होगा, एक एक चीज के बारे में पूरी जानकारी ले ली, और तब हम यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर के कि भाई आप लोगों की बात सुन ले, तो आप लोगों का तो भाई समस्या ये है कि इतना ज्यादा तो सब लोग की बात सुन लेना, तो पता चला कि आज तो पूरा रात भर चलता, तो उसके बाद तो हम ही को लोगों ने कह दिया कि दरभंगा में भी आइए, और एम्स का वहां पर होना है, तो उसके लिए जमीन वगैरह समझा करके देखिए इतना देर का है हो रहा,
आपको मालूम है कि दरभंगा में एम्स तो हमने इच्छा थी, जब एम्स का अतिरिक्त हुआ तो कहां कहां नहीं की मांग कर रहा था। हम जहां जाते थे वहीं पर लोग कहता था कि यही पर बन जाना चाहिए एम्स, तो हम तो मीटिंग में कह देते थे यहां काहे बनेगा भाई, यहां क्यों बनेगा। हम शुरू से सब दिन कहते थे कि भाई सबसे पहला मेडिकल कॉलेज बिहार में बना था पटना में और दूसरा बना था दरभंगा में, इसलिए पटना में एम्स बन गया तो दूसरा एम्स तो दरभंगा में ही बनना चाहिए। हम तो शुरू से कह ये बात हम 2015 से है, इस बीच न जाने कौन जिला है जिसमें लोग नहीं कहता था एम्स यही बन जाए, लेकिन हम तो मुहे पर कह दे ना कि सब नहीं बनेगा, काहे बनेगा यहाँ एम्स बन के क्या होगा, क्या मतलब है इसका। तो इस तरह से बात करते हुए अंत में लोगों ने मान लिया तो हम तो जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल है हम तो पहले कह रहे थे कि भाई इसी को आप अडॉप्ट कर लीजिए, इसी को एम्स बनाइए, हमारी तो राय वो थी पहले, मान लिए थे। आज जो नड्डा साहब उस समय थे उन्होंने तो ऐलान नहीं कर दिया, लेकिन बाद में फिर कहा कि वो नहीं, हम कहे चलिए छोड़िए, लेकिन बनना तो दरभंगा में। तब दरभंगा में जमीन दिया गया है, सब कुछ किया गया है, कहां पर है कुछ जमीन में गड्ढा है, इधर है उधर है, हमने कहा सबको ठीक करिए। तो आज जाके हम देखने जा रहे हैं कि भाई यहाँ पर काम ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं, जल्दी से जल्दी बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हम इसी के लिए सोचे कि यहाँ पर है तो यहाँ के बाद जाकर के वहां देख लेंगे, और अपना जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल है उसका तो विस्तार करवा ही रहे, लेकिन उसके अलावा भी और कोई जरूरत है तो उसको देखने के लिए खास तौर पर। ऐसे तो हम बहुत चीज देखने रहे, सर आप लोगों के बीच में आकर के एक यही था कि दरभंगा में जाकर के वहां पर पूरा पूरा देख लेंगे, तो उसी के लिए तो आज आप कुछ लोग बोले, उन लोगों की बात आई सुने, सब कुछ ध्यान में रखा। आप देख रहे हैं कि कई लोगों को बुला करके भी हमने कह दिया, कई तरह की बात लोग कह रहे हैं। तो जितना भी सबसे पहले यहाँ पर लोगों को बाढ़ का राहत मिले, जिस तरह से यहाँ पर पानी के चलते लोगों को परेशानी है, आप सोच लीजिए कि 6 महीना कुछ इलाके में 8 महीना लोग बोलते हैं, तो वैसी स्थिति में यहाँ पर तो उस तरह से पूरी खेती नहीं हो पाती। तो हमारा तो उद्देश्य है कि यहाँ की जमीन बहुत अच्छी है, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, हमको अपना लगता है कि अगर यहाँ पर सब खेती कर पाएंगे पूरे तौर पर, तो आप जान लीजिए कि आप लोगों को एहसास नहीं है कि आपकी आमदनी कितनी बढ़ जाएगी, आपको पता नहीं। तो हम तो पहले मौलिक चीज में लगे रहते, आप जो लोग का मान लीजिए कुछ ठीक हो गया था, नया नया चीज बोलते हैं, तो बोलना तो ठीक ही बोलिए, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है यहाँ का जो मौलिक काम, वो काम तो हम लोगों को करवाना ही है। और दूसरी बात याद करिए कि कुशेश्वर स्थान आने का कौन सा रास्ता था दरभंगा से जी, तक कुशेश्वर स्थान तक आने का रास्ता बना ना जी, और फिर कुशेश्वर स्थान से आगे जान रहे हैं, तो सब जगह के लिए रोड बन रहा है और ये सारा सब कुछ जो काम होने जा रहा है, तो ये सब काम तो लगा ही हुआ है। अभी आप लोगों ने एक बात कही, वो ठीक बात कहा, एक तो हम देख रहे हैं कि हर जगह, और पिछली बार जब हम आए थे इनके घर पर भी गए थे और कल हम लौट करके गए, उन दिनों तो अन्य जगहों पर हम गए थे फ्लड की स्थिति को देखने के लिए, यहाँ आकर के सब देखे, तो यहाँ से हेलीकॉप्टर से हमको लौट करके जाना था,